हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों के आंदोलन का एक महीना पूरा हो गया। आज आंदोलन का 31वां दिन है। किसान ठीक एक महीने पहले सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर को जुटे थे। सिंघू टीकरी गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले एक महीने में टेंट और ट्रैक्टर में किसानों की पूरी गृहस्थी बस गई। किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच किसानों और सरकार के बीच 5 से 6 राउंड की वार्ता हुई, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। आज किसान संगठन पीएम मोदी की अपील पर फैसला लेंगे, साथ ही कृषि मंत्री की चिट्ठी पर विचार करेंगे। शाम को किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को नए कृषि कानून के मसले पर गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों को देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हैं। कुछ लोग किसानों और सरकार की चर्चा नहीं होने दे रहे। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। अब यह आंदोलन फटक गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों के साथ संवाद पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि पूरे देश ने प्रधानमंत्री का सफाई दिवस सुना। अपराध बड़ा होता है तो सफाई भी बड़ी देनी पड़ती है। साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि किसान 31 दिन से कपकपाती सर्दी में दिल्ली के दरवाजे पर गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीज रहा। 44 किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार किसानों को थका दो भगा दो की नीति पर काम कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सरकार किसान विरोधी सरकार है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सुशासन दिवस पर ऑफिस योजना लॉन्च की। सीएम ने कहा कि नई विधाओं का सम्मान करना होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शासन को सुशासन करने के लिए ई ऑफिस योजना जरूरी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सिस्टम को सरल बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस योजना की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि इस योजना से फाइलों का आदान प्रदान करना बेहद आसान होगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को इस योजना से सुविधा और राहत मिलेगी। सीएम ने कहा कि पेपर की बचत के साथ इस योजना से काम में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से विभागों को रिकॉर्ड रखने में सुविधा होगी। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भिवानी में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। शुक्रवार को करनाल के सिंगड़ा नानकसर गुरुद्वारे में संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कई राजनीतिक दिग्गज शामिल हुए। जानकारी दें कि संत बाबा राम सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद किसानों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला था। शुक्रवार को नानकसर गुरुद्वारे सिंगड़ा में उनकी अंतिम अरदास की गई। वहीं श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही इनेलो नेता अभय चौटाला भी संत राम सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आज किसानों के टोल प्लाजा फ्री करने का दूसरा दिन है। आज प्रदेश में अन्नदाता टोल को फ्री करेंगे। शुक्रवार को भी सोनीपत के केजीपी और केएमपी पर पहुंचे किसानों के जत्थे ने टोल फ्री कराया, जिसके बाद टोल से बिना टोल दिए वाहन चालक रवाना हो रहे हैं। केजीपी और केएमपी के बाद किसानों का जत्था आगे और भी टोल को फ्री कराने के लिए बढ़ा। सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया।
किसानों ने 3 दिनों के लिए भावतीन टोल को फ्री कराया। किसानों का कहना है कि टोल प्लाजा पर अगले 3 दिन तक कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। सभी वाहन चालक यहां से बिना भुगतान किए रवाना होंगे। किसान जत्थेबंदियों के आह्वान पर किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर मौजूद शंभू टोल प्लाजा को फ्री कराया। किसानों की माने तो किसान दिल्ली में पिछले 1 महीने से बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं। किसानों का कहना है कि 3 दिन टोल बंद रहने के बाद अगला जो भी फैसला किसान संगठन लेंगे उस पर भी अमल किया जाएगा। उचाना टोल प्लाजा को भी किसानों ने 3 दिनों तक फ्री कराया। उचाना टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन बिना पर्ची कटवाए यहां से गुजर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के संगठन की ओर से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे को टोल फ्री करा दिया गया। कुछ किसान बादली टोल पर पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से बैरिकेड्स हटाकर टोल फ्री कराया। हालांकि कुछ देर के लिए टोल मैनेजर के साथ उनकी कुछ नोकझोंक भी हुई, लेकिन बाद में टोल फ्री करा दिया गया। कैथल के नजदीक गांव थाना टोल प्लाजा को किसानों ने 3 दिन के लिए फ्री कराया। किसानों ने कहा कि वो पूरे दिन टोल पर शांतिपूर्ण धरना देंगे। किसानों का कहना है कि दिल्ली में बैठे किसान नेता जैसा आदेश देंगे उसी के मुताबिक हम आगे की कार्रवाई करेंगे। किसानों का कहना है कि इस दौरान किसी प्रकार का जाम नहीं लगाया जाएगा और न ही किसी को परेशान किया जाएगा। झज्जर के डीघल टोल को अहलावत खाप के नेतृत्व में सैकड़ों किसान वहां पर पहुंचे और फ्री कराया। डीघल खाप के लोगों के द्वारा टोल फ्री कराया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 3 दिवसीय टोल मुक्त अभियान में अपनी आहुति देते हुए सैकड़ों किसानों के साथ अहलावत खाप के प्रतिनिधि पहुंचे और टोल को फ्री करा दिया गया। उन्होंने कहा जैसे भी हमारे किसानों के आदेश आएंगे उसी तरह से हम लोग उसका पालन करेंगे। साफ तौर पर कहा कि हम लोग शांतिपूर्वक समझाकर ही टोल फ्री करा रहे हैं, ना हम लोग जाम करेंगे और ना ही हिंसक प्रदर्शन करेंगे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं देती हम लोग इसी तरह के आंदोलन में अपनी भागीदारी देते रहेंगे। किसान संगठन के आह्वान पर हिसार से चंडीगढ़ NH 52 रोड पर सरसौत बिचपड़ी टोल प्लाजा को किसानों ने टोल मुक्त कराया। 3 दिन के लिए टोल फ्री अभियान के तहत टोल प्लाजा को फ्री कराया गया और इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। किसान लगातार टोल पर डेरा डाले हुए हैं। रोहतक के मकड़ौली टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री कराया। किसानों ने टोल को सुबह 7 बजे से ही फ्री किया। किसानों का कहना है कि अगले 2 दिन तक टोल फ्री रहेंगे। पिहोवा के टोल को भी किसानों ने फ्री कराया। सोनीपत के NH 44 पर मौजूद मुरथल टोल प्लाजा को भी किसानों ने फ्री कराया। टोल कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि रूट डायवर्ट होने के कारण टोल प्लाजा मालिकों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ के रोहत टोल को भी किसानों ने फ्री कराया। किसानों ने शुक्रवार देर रात टोल फ्री कराया और सुरक्षा के मद्देनजर टोल पर पुलिस बल भी मौजूद है। किसानों की ओर से शुक्रवार से प्रदेश में सभी टोल प्लाजा को फ्री किया जा रहा है। वहीं कुछ टोल ऐसे भी हैं जो अभी तक फ्री नहीं किए गए। सोनीपत के KGP टोल को किसानों की ओर से अभी तक फ्री नहीं कराया गया। वहीं फरीदाबाद में भी अभी तक टोल को फ्री नहीं किया गया। पलवल में मौजूद टोल प्लाजा को भी अभी तक फ्री नहीं किया गया है और इसी के साथ गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसान आंदोलन बेअसर नजर आया। जयपुर से दिल्ली जाने वाले वाहन सामान्य रूप से आवाजाही कर रहे हैं। किसान आंदोलन का खिड़की दौला टोल पर भी कोई असर नहीं देखा गया। टीकरी बॉर्डर पर शुक्रवार से महिलाओं ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रोज 11 किसान महिलाएं 24 घंटे का उपवास रखकर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज करा रही हैं। टीकरी बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन के बीच ऑटो चालक पर पुलिसकर्मी ने लाठी से वार किया।
किसान आंदोलन के बीच टिकरी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है, जिसके चलते पुलिसकर्मी ने जाम खुलवाने के लिए ऑटो चालक पर लाठी से वार कर दिया। इस दौरान ऑटो चालक घायल हो गया, जिसके बाद ऑटो चालक को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान किसानों का पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूटा। किसानों ने पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। गुलचुका में किसानों ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह की आवाज का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही विधायक ईश्वर सिंह के घर के आगे लगे पोस्टर और बैनर को भी फाड़ दिया। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से मनाए जा रहे सुशासन दिवस के मौके पर किसान कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक ईश्वर सिंह थे, जिसके बाद किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और विधायक को कार्यक्रम में काले झंडे भी दिखाए। किसान आंदोलन के समर्थन और पंजाब में आढ़तियों पर आयकर विभाग के छापों के विरोध में प्रदेश की अनाज और सब्जी मंडियां बंद हैं। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने बताया कि किसान आंदोलन और पंजाब में व्यापारियों के यहां की गई छापेमारी के विरोध में सभी अनाज मंडियों में हड़ताल रहेगी। इस दौरान जिलों में आढ़ती और व्यापारी प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन कर रहे आढ़तियों और व्यापारियों को डराने और तंग करने के लिए पंजाब में उन पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है। हरियाणा में भी व्यापारियों को नोटिस देकर उन्हें दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है। शुक्रवार को फतेहाबाद, कालावली और गोहाना के साथ सिरसा में व्यापारियों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों के विरोध में हड़ताल की। व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान आंदोलन को लेकर गोहाना की अनाज मंडी में भी व्यापारियों ने एक दिन की हड़ताल कर किसानों को अपना समर्थन दिया। गोहाना अनाज मंडी के आढ़तियों का कहना है कि अनाज मंडी में हड़ताल के चलते व्यापारियों का चोली दामन का साथ है और वो पहले ही दिन से किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। अनाज मंडी के आढ़तियों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश में कारोबार ठप हो गया है। अब ये तीन कृषि कानून लागू कर सरकार किसानों और आढ़तियों को बर्बाद करना चाहती है। इनके लागू होने से देश में पहले से कई गुना महंगाई और बेरोजगारी फैलेगी। सिरसा में भी व्यापारी और आढ़तियों ने अनाज मंडी को बंद रखा। आढ़तियों का कहना है कि आढ़तियों को डराने के लिए सरकार ने पंजाब स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर इनकम टैक्स के छापे डलवाए और नोटिस भिजवाए हैं, जिसके विरोध स्वरूप सभी आढ़ती पूर्ण हड़ताल पर चले गए हैं। सिरसा वार्ड नंबर 29 में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने सिरसा में काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि कृषि कानून का विरोध हो रहा है, बावजूद इसके सरकार बिजली बिल 2020 ला रही है, जिसका हम विरोध जताते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने सिरसा के वार्ड नंबर 29 में जमकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों की बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अलग कर दिया। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 408 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 81 और फरीदाबाद में 61 नए केस सामने आए। हिसार में 23 और सोनीपत में 18 नए मामले सामने आए। पानीपत में एक युवती को छेड़ना भारी पड़ गया। दरअसल लड़का कई दिनों से लड़की का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था, जिसके बाद जब लड़की के सब्र का बांध टूटा तो उसने सरेआम लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर पिटाई का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की का गुस्सा इस कदर फूटा कि लड़के को बचाने जो भी आया उसे भी पीटती चली गई। हालात बिगड़े तो मौके पर पुलिस को आना पड़ा। लड़के को भीड़ से निकालकर पुलिस उसे अपने साथ मॉडल टाउन पुलिस चौकी में ले गई। फतेहाबाद के बनमंदौरी मेहूवाला गौशाला पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
गौशाला में रखे दान पात्र को चोर उठाकर ले गए। चोरों की पूरी घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई। इस मामले में गौशाला संचालक की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। नांगल चौधरी के पास गंगुताना पहाड़ी में अवैध खनन करते एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को काबू किया गया। हालांकि खनन माफिया चकमा देकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन खनन माफिया अपने साधन लेकर नहीं भाग पाए। जाखल मंडी की नई बस्ती में सीवरेज लाइन डालने के दौरान एक मिट्टी का ढेर मजदूरों पर जा गिरा, जिससे दो मजदूर दब गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई और जेसीबी की सहायता से मिट्टी को हटाकर इन मजदूरों को बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक पूरे जाखल में इस समय सीवरेज लाइन डालने का काम किया जा रहा है और इस काम पर करीब 8 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। शुक्रवार को जाखल में रेलवे लाइन पार नई बस्ती में सीवरेज लाइन डालने का काम किया जा रहा था। जेसीबी मशीन से लाइन खोदने के बाद मजदूर इसके अंदर काम कर रहे थे। फरीदाबाद में 3 दिन पहले सरेआम युवा नेता की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस को सफलता हासिल हुई। दरअसल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोली मारने वाले युवकों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आज आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, साथ ही इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की भी जानकारी हासिल करेगी। डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि इस हत्या की साजिश मनोज मांगरिया ने की थी, जिसने प्रोफेशनल ट्यूटर बुलाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।